टॉस की घड़ी हेड और कॉलिंग हुई है किरणपुर के कप्तान ने हेड कहा है और किरणपुर टीम के कप्तान ने टॉस यहां पर जीत लिया है। क्या निर्णय है आपका? निर्णय क्षेत्र रक्षण करने का। दर्शकों से अनुरोध है, ग्राउंड बहुत अच्छी टीम है, दशरथपुर की टीम बहुत अच्छी टीम है, काफी सशक्त बल्लेबाजी इनकी। कितने से कितने रन पर रोकने की कोशिश? 60। यस, कल भी हमने बोला था कि हमको 60 या 70 पर रोकना है। भाई तो कमाल हो, इसे 60 रन पर तो लोग रोक लेते हैं। मतलब हम लोग कोशिश करेंगे। अब ये 60 रन इन्होंने कहा है, और पिछले टीम में से कोई आपने परिवर्तन किया? हाँ, एक परिवर्तन है, रविराज। रविराज क्या गेंदबाज या बल्लेबाज? गेंदबाज है, ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है। यस, चलिए 60 रन आप बोल रहे हैं और कप्तान से हम बात कर रहे हैं। गुंजन दशरथपुर के एक शानदार क्रिकेटर जिन्हें देखकर दिल प्रसन्न हो जाता है, खूबसूरत पर्सनालिटी इनकी, हैंडसम है, और मैदनी चौकी में ये कार्यरत हैं पुलिस प्रशासन में। 60 रन इन्होंने बताया, कितने रन बनाएंगे आप? वो कम से कम 120 तो बन, 120 में तो जीत हो जाती है यहाँ पर। तो आप जीत के लिए आज खेल रहे हैं कि इस फाइनल में हमें जाना है? कोई चेंजिंग मतलब फर्स्ट सेकंड टीम, मतलब जैसे फर्स्ट मैच खेले सेकंड मैच खेलो, से परिवर्तन है। तो क्या आपने बताई थी बातें कि काफी घरों में शादियां हैं? हाँ जी, वो तो वो चले गए, वो लौटा है, तो आज आपकी टीम सशक्त हो गई पिछले मैच से। हाँ, पहले से अच्छा। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो किरणपुर टीम के कप्तान ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। मुकाबला है दशरथपुर वर्सेस किरणपुर, पहला सेमीफाइनल मुकाबला। आइए, वक्त हो चला है आपको आंखों के देखा सुनाने का, ये चलता हूँ मैं अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। धन्यवाद। खतरा एक छूटा है अभी, बल्ले से व्यक्ति विकेट आई थी, चिटकी विकेट कीपर के हाथों से, टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया है दशरथपुर की टीम को। गेंदबाजी किरणपुर की, बल्लेबाजी दशरथपुर की। 10-10 ओवर का मुकाबला, विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रथम सेमीफाइनल होगा। आगे पीछे आराम से चला था, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आई मिड ऑन की दिशा में, एक और तो दो उद्घाटक बल्लेबाज हैं सबनू और चंद्रदीप। बेहतरीन शॉट, लेकिन हर जगह कीमत नहीं खड़े मिलेंगे आपको, कीमत रहते तो ये कैच अवश्य पकड़ लेते, लेकिन एक शानदार शॉट अभी अभी निकला है, छक्का निकलता हुआ चंद्रदीप के बल्ले से, क्या खूबसूरत शॉट थी। यहां पर एक और, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी फील्डिंग, चौका लग रहा था कि निकल जाएगा, लेकिन एक रन से संतोष करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। कुल 8 रन बने हैं अब तक, आपने की 9 रन। एक्शन बहुत अच्छी, खूबसूरत एक्शन की, और कोई नेशनल स्तर का गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो, खूबसूरत एक्शन, हाई आर्म एक्शन, लाजवाब। मुकाबला बड़ा है, कड़ा है, लेकिन जीता वही है जो बिल्कुल नहीं डरा है। विकास गेंद एक बार फिर से उछालना चाहता है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद फील्ड की जाती है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए। ओवर भी संपन्न होता हुआ, कुल एक ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 10 रन बिना किसी नुकसान के। तो 10 वो
रन आ गए, जिन 10 रनों की प्रत्येक ओवर में जरूरत थी। यहाँ पे कोई भी टीम 100 रन बनाएगी अगली टीम को बहुत परेशानी होगी 100 रन चेस करने में। 60 गेंदों का खेल है ये T20 है ना, 15 ओवर का मुकाबला, ये T10 है और T10 के बड़े मैचेस गल्फ कंट्रीज में दुबई में शुरू हो चुके हैं। समय में इंटरनेशनल स्तर पर भी T10 खेला जाएगा। नाम बड़ा अच्छा है, खूबसूरत नाम है इस लड़के का, गेंदबाज का नाम छबीला है। ये छल छबीला आ गए 15 नंबर की जर्सी, क्या करेंगे। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, सभी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं छह छबीला, लगातार गेंदों में छकाया बल्लेबाज को। सबलू और चंद्रदीप बल्लेबाज विकेट की तलाश है, ब्रेक थ्रू लेना चाह रहे हैं छबीला। सबलू बहुत खूबसूरत हैंडसम सिक्स, अभी अभी सबलू के बल्ले से निकला है छबीला की अच्छी खबर ली। लंबी गेंद ओवर पिच यॉर्क कराने की कोशिश हुई थी, ओवर पिच बनी गेंद और एक हैंडसम सिक्स अभी अभी कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से निकल गई। हाथों को खींचा था, कंधे को खींचा, शॉट थोड़ी सी लंबाई खींच ली अपनी तरफ, इस वजह से ये डॉट प्राप्त किया अभी अभी छबीला ने। छक्का निकला है पिछली गेंद पर, स्कोर चला गया कुल 16। एक और शॉट चौक के लिए जा रही है, शतरक्षक रोक नहीं पाएंगे, चौका मिल गया। स्कोर है कुल 20 रन, दमदार शुरुआत हुई है। टॉस जीतने के बाद क्या पहले बल्लेबाजी कर सकती थी किरणपुर, उन्होंने दावत दे दी दर्शकपुर के बल्लेबाजों को, बोला 60 पर पैक कर देंगे, कुछ क्षण बाद आधे रन आ जाएंगे। ये शॉट खेलना चाहता, एक और लंबी हिट लगाना जा रहे थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन कनेक्शन सही नहीं हो पाया। एक ओवर अभी अभी खत्म होता हुआ, दो ओवर 20 रन बगैर किसी नुकसान के दर्शक को टीम का स्कोर है। आपस में कुछ विचार विमर्श हो रहे हैं दोनों बल्लेबाज के बीच में, बातें ये की जा रही होंगी कि एक भी रन को छोड़ना नहीं है। बड़ा अच्छा गेंदबाज है रजनीश, सभी भी लाइन लेंथ से मुझे काफी प्रभावित किया था इस गेंदबाज ने अपने पिछले मुकाबले में, और 4 विकेट भी शायद लिए थे रजनीश ने। एक विकेट, ये ईमानदार है लड़का, बिल्कुल सभी हुई लाइन ले आज को छक्के में डाला है। जो भी टीम जीतेगी वो चली जाएगी फाइनल में, ये प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है दशरथपुर और किरणपुर के बीच। ये लंबी हिट है, ये मैक्सिमम है, ये शानदार है, बेहतरीन है, लाजवाब सिक्स, लंबी गेंद थी, छोड़ा थोड़े खड़े और चंद्रदीप के बल्ले से एक चंद्रदीप छक्का निकला भी अभी तो सब केवल दे देंगे और कनेक्शन बीच बीच में छोड़ रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही है।
इतने खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी चल रही है, गेंदों को उनकी लाइन और लेंथ से के हिसाब से खेला जा रहा है। पिछली गेंद पे जहां एक सिक्स निकाली, अगली गेंद को जैसे देखा कि हम गेंद की लाइन में नहीं है, लेंथ अलग है गेंद की, गेंद के पीछे आके स्लैश किया गली एरिया में एक रन, और इस एक रन के जरिए स्कोर चला गया कुल 27। गेंदबाज लंबी कद काठी का है और बल्लेबाज बहुत ही तंदुरुस्त है, मजबूत कद काठी वाला बल्लेबाज दिखाई पड़ रहा है चंद्रदीप और सब लोग। ये वहां पे शतरक्षक मौजूद, लेकिन काफी पीछे खड़े रह जाएंगे। एक रन और निकला है 28 की रन संख्या, तो कहीं ना कहीं से बल्लेबाजों ने रन रेट को मेंटेन करके रख रखा है। रजनीश राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने इस बार चंद्रदीप खड़े हैं। चंद्रदीप खेल रहे हैं अपने कुल 14 के निजी ऊपर, स्कोर है 28। अच्छी लेंथ हिट की है गेंदबाज ने डॉट के साथ, ओवर खत्म हुआ अभी अभी और इस डॉट के साथ कुल 3 ओवर 28 रन बगैर किसी नुकसान के। दर्शकपुर के इन दो बल्लेबाजों ने ठान रखा है कि हम दोनों को कम से कम पूरे पारी के आधे ओवर से खेलने हैं और आधे ओवर को खेलने के लिए 12 गेंदें काफी होगी। मुझे नहीं लग रहा कि ये 12 गेंद के अंदर आउट होने वाले हैं, ये आउट होने के मूड में दोनों बल्लेबाज दिखाई पड़ ही नहीं रहे, लेकिन क्या मूड मौसम बदलने का विकास। ये तेज रफ्तार की शॉट है शतरक्षक मौजूद और जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑफ शिफ्ट में गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए। सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 29-29 रन। डॉट एक डॉट बॉल और एक एक डॉट से भी बार बार बताता हूं कि मैच के नतीजे पर असर पड़ जाएगा। ये लॉन्ग हिट है, ये तो भाई सूरज गढ़ा चली गई है गेंद, लाइए सूरज गढ़ा वाईसीसी क्रिकेट ग्राउंड जहां मैंने 21 साल विकेट के पीछे विकेट कीपिंग करते हुए वक्त गुजारे हैं। मैं ऐसे भूल सकता हूं, बेशक 23 साल पहले सूरज गढ़ा छूट गया, 19 साल बाद पहले 2004 में सूरज गढ़ा छूटा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये मेरा गृह नगर है, काफी यादें जुड़ी हुई है सूरज गढ़ा से। ये अचानक तो कुछ हाल आई है इस गेम में, वन बाउंस दिया अंपायर इस बार युफिट के साथ बदले हुए हैं, एक अंपायर है रिंकू और जो रिंकू सिंह, इन्हीं का तो जमाना है। एक रन यहां पर मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, अगर दूसरा रन लेंगे तो कोई गुंजाइश बनती भी दिखाई नहीं पड़ रही है। वाइट के जरिए दो रन खाते में और जुड़ेंगे, इन दो रनों की मदद से स्कोर चला गया है कुल 37 माफ करेंगे। बल्लेबाज ने दिखाया दम, बल्लेबाज को मिला मैक्सिमम यूज,
लाजवाब बल्लेबाजी सबनुक के बल्ले से तनादन छक्कों की बारिश हो रही है। दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अब तक कुल चार पांच छक्के जा चुके हैं। ये मौका है, ये मौका लपक लिया, खतरा हो सकता था एक क्षेत्ररक्षक टकराते टकराते बचे, लेकिन यहां पर जो मोमेंटम बदल कर रखा था सबनू ने वो टूट गया है। प्रिंस थे, राजकुमार थे वहां पर, भला राजकुमार कैसे कैच छोड़ेंगे। पहला विकेट तो गिरा है लेकिन अपना काम बखूबी करके गया है ये शानदार बल्लेबाज चंद्रदीप। चंद्रदीप ने आउट होने के पहले कुल कितने रन बनाए आपके सब लोग। और कुल रन बने हैं 43। आवाज साफ कीजिए, ये आवाज बजी बजी भी निकल रही है बिल्कुल, थोड़ा सा इको दे दीजिए हल्का, एक पॉइंट साफ हो जाएगा। अच्छी लेंथ हिट की थी बल्लेबाज को, छक्का या चक्र में डाला और सब लोग के आउट होने के बाद आए हैं बल्लेबाज। और यहां पर एक और कैच छिटक गई, इसके पहले भी एक कैच छिटकी थी विकेट की तरफ से, पहली गेंद थी वो। और क्या ये कैच नहीं छोड़ रहे हैं आप फाइनल का दरवाजा अपने लिए बंद कर रहे हैं। ये कोई छोटा मुकाबला, राउंड रोबिन लीग का मुकाबला नहीं, नॉकआउट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच। रजनीश मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहा है ये बालक, बहुत अच्छी गेंदबाजी रजनीश की, राइट आर्म ओवर द विकेट, अपर को पार किया, अच्छी गेंद और यहां पर डंडा हिलता हुआ गिल्ली नीचे, लोड पोर्ट होती हुई टिमटिमा रही है गिल्ली। और सितारा और भी चमकता, लेकिन सितारे को वापस भेजा पेवेलियन को। लीजिए दोनों बल्लेबाज, आपने देखा होगा किसी भी बड़े मुकाबले में कि जब राहुल द्रविड़ आउट हो जाते थे तो विनील एस लक्ष्मण की धोनी शतक की साझेदारी भी टूट जाती थी, वो भी वापस चले जाते थे। भाई ऑपरेटर महोदय थोड़ा सा इनको दे दीजिए पॉइंट, क्योंकि आवाज और ट्रेबल बढ़ाइए, एक पॉइंट ट्रेबल लीजिए। वो बल्लेबाज आ गया, ऑपरेटर कहां चले गए हैं जो साउंड को ऑपरेट कर रहे हैं, प्लीज। काफी बड़ा दारोमदार होगा गुंजन के ऊपर, इनसे अपेक्षाएं हैं। और पिछले दो मैच में क्या शानदार कमाल बल्लेबाजी की है गुंजन ने, फील्ड को चारों तरफ पहले गुंजन ने निहारा और अब खेलने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। तो अंपायर रिंकू सिंह और जोहित स्कूल में हमेशा की तरह मेरे साथ सूरज उर्फ वीरू भाई। गुंजन को बांध के रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है, पिछले मैच के हीरो रहे और नाबाद लौटे थे 47 पर, ये बल्लेबाज आउट ही नहीं होता। चवन प्रास या संजीवनी बूटी खा के आया है, लीजिए ये चवन प्रास का दम भी दिखाता है, ये बिहार पुलिस में नहीं है, थोड़े दिनों में दरोगा बन जाएगा ये, ऐसे ऐसे छक्के लगाएगा तो रणधीर बाबू का क्या होगा।
रणधीर जी मेरे मित्रवत भी है, पहले बांके में थे और काफी उनसे अदावत है, कल मिलने जा रहा हूं मैं। कमाल की प्लेसमेंट, कमाल की प्लेसमेंट, मिस फील्डिंग हुई है, एक रन लिया है, खतरा मोड़ लिया दूसरे रन के लिए, दौड़ पूरे कर दिए तो छक्का निकला था पिछली गेंद पर एक और अगली गेंद पर दो रन निकले, स्कोर चला गया है कुल 51। बता दीजिए जोरदार तालियां, 51 रन पूरे करने में दशरथपुर के 5 ओवर निकल गए हैं और कहीं ना कहीं से अब इन्हें सोचना होगा कि बाकी बची 30 गेंदों में एक्सीलरेटर पर पैर कैसे दबाएंगे। 129 रन भी यहां बनते हैं, पिछले मैच में क्या शानदार रन बने थे, गेंदबाजी एक्शन में अब प्रिंस। अमित की कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर गुंजन आए, एक डॉट अभी अभी निकली है। कनेक्शन सही जब तक नहीं होगा तब तक आपके बल्ले से वो छक्के नहीं निकलेंगे तो शायद विकेट को सही कर रहे हैं अंपायर उसे। कमाल के 5 छक्के लगाए थे रिंकू सिंह ने, अब ऋषि महापुर आ रहे हैं वो रिंकू सिंह, इनको थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है। महापुर पर आए थे, गेंद को दिशा दिखाई, गेंद जब तक फील्ड की जाती शॉर्ट लेग में दोनों बल्लेबाजों ने सीधे बदले और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 52। छठी ओवर फेंकी जा रही है, इस ओवर के बाद 24 गेंदों का खेल शेष बचेगा मात्र। और कराने की कोशिश, लेकिन ये बल्लेबाज बाहुबली है, दबंग है, शहंशाह है और बड़े करीब से गेंदों को देखकर खेलता है। बस खिलाड़ियों की अदला बदली हुई फील्ड प्लेसमेंट में, और गेंद चली गई दिल्ली, मैक्सिमम मिला यहां पर और जिन चीजों के लिए दशरथपुर की टीम जानी जाती है वो चीजें यहां हो रही हैं। छक्कों की बारिश के लिए जानी जाती है दशरथपुर की टीम, 59 रनों में 8 छक्के शामिल है 59 और ये छक्का गुंजन के बल्ले से नहीं निकला है, ये छक्का अमित के बल्ले से निकला है। अच्छी खबर ले रहे हैं गेंदबाज की, इरादे नेक नजर नहीं आ रहे बल्लेबाजों की। कहां जा रही है गेंद में विकेट क्षेत्र में, क्षेत्र रक्षक मौजूद जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पे बिल्कुल कैलकुलेटिंग गेंद, औसत बिल्कुल 10 के ऊपर चलती हुई, लेकिन इस औसत को पार करने की मंशा अपने बल्लेबाज के साथ बातें करते हुए जाहिर कर चुके हैं। थोड़ा पानी पहुंचा दे ड्रिंक्स, इंटरवल का वक्त है, दर्शक नजर आ रहे हैं, सिर्फ मुंडे ही नजर आ रही है, ये दर्शकों की आवाजें
26 रन बनाकर आउट हुए थे चंद्रदीप, जबकि सबनू बड़ा गेंदों में 15 रन बनाकर वापस क्रीज में गए थे, अपना काम करते गए और जिम्मेदारी छोड़ गए गुंजन के कंधों पर कि भाई आप अब आइए तहलका मचाइए। ये धूम धड़ाके वाला बल्लेबाज है, ये शांत खामोश रहने वाला बल्लेबाज है और इसके हाथों में बल्ला नहीं होता, मानो AK-47 ने जो सुरताल मिल नहीं पाया। अमन नाम का कोई बल्लेबाज अमन फैलाने नहीं आता, वो तूफान बचाने आता है। आठवीं ओवर से ये भैया एक ही रन होता क्योंकि सामने क्षेत्ररक्षक दो तैनात थे, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन विश्व के दर्श स्टैकिंग एक पत्थर बल्लेबाज के शरीर से टकराई। 71 एक एक रन से अब काम नहीं चलेगा, हर हाल में आपको अब बाउंड्रीज की तरफ देखने होंगे, प्रत्येक ओवर में एक चौका या एक छक्का निकलना आवश्यक क्योंकि आपके एक बड़े बल्लेबाज अभी पैनली लौटे हैं, गुंजन जो टीम के कप्तान भी थे। एक बल्लेबाज बाएं हाथ का, एक बल्लेबाज दाएं हाथ का,
स्ट्राइक पर है बल्लेबाज साकेत, उसको खोस दीजिएगा, कमेंट्री जो कर रहे हैं इसको खोस दीजिएगा। यहाँ पे डॉन द ग्राउंड लॉन्गों के ऊपर से 6 रनों के लिए और छक्के के सहारे और एक हाथ से कैच लिए है तो कमिटी बॉय से साथ कुछ उपहार भी है साथ ब्लू जर्सी की है। सुन्नत कुणाल चला तो अनाउंसमेंट होता तो क्या पोज कर दिया और छक्के के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। तो साकेत जो कि एक रनबाजी है और काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अली अमन का और यहाँ पे मोर लाइन की गेंद डालती हुई गेंदबाज अगली गेंद और यहाँ पे निश्चित रूप से खराब गेंद और गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले से खेला हुआ और छक्के के सहारे किरणपुर का स्कोर जा पहुंचा है 66 रन और ओवर चल रहा है 7वां। बल्लेबाज शायद युवक का अपील कर रहे हैं तो हमारे अंपायर मुस्तैद है तो युवक लगेगा तो जरूर निश्चित रूप से नो बॉल देंगे क्योंकि यह विकास नाइट मेमोरियल का जो नाइट टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ की जो व्यवस्था है और यहाँ के जो कमिटी है मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ काफी बेहतरीन इसे जल में डाला हुआ गेंद था खोज कर निकाला बल्लेबाज लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। लाइन्समैन से चाहूंगा कि आप अमन हलकल की गेंद मशीन पार को पार करते हुए और एक गेंद खराब गेंद कही जा सकती है लेकिन डॉक्टर 7वां ओवर प्रगति पर और किरणपुर का स्कोर 66 तो दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे दशरथपुर की टीम भी अभी जद्दोजहद करते हुए और मैच में भी बहुत कुछ बाकी है लास्ट ओवर तक जाएगा मैच और यहाँ पे दूसरा विकेट का पतन होता हुआ यॉर्कर लाइन की गेंद थी बल्लेबाज समझ नहीं पाए और चारों खाने चित एक बेहतरीन पारी खेलकर स्ट्राइक पर है सीका और यहाँ पे बहुत बड़ी मछली जाल में फंसता था लेकिन कैच मिस करते हुए यहाँ पे अरे ये कैच होता तब तो शायद और धक धक मुकाबला होता हमाम गेंद जरूर खेला था किरणपुर के सारे प्रशंसक का जान हालत में थी लेकिन यहाँ पे जैसे ही कैच छूटा तो जान में जाना है लेकिन ये कैच दशरथपुर के लिए कितना महंगा पड़ सकता है देखना बाकी और यहाँ पे फिर से ये लेता हुआ लेकिन एक रन नहीं देने से बच पाएंगे सेकंड के सारे स्कोर जा पहुंचा है 67 रन अभी भी यहाँ से 27 रन की और दरकार है और अब स्ट्राइक पर गए हैं त्रिशूर पला और वही बॉलिंग आने पर काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मनु अगली गेंद नो बॉल हमारे निर्णायक के द्वारा और एक रन दो के लिए तो 2 रन यहां पे मिलता है और इस 2 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है और यहाँ पे थोड़ी सी अपील लेकिन अंपायर हमारे मुस्तैद और नो डाउट और यहाँ पे हवा ही पाया और लेन करता हुआ गेंद दर्शक दीर्घा में अब यहां से था इस ओवर में
का सामने है बल्लेबाज श्रीकांत और पटकी भी गलती रन देना चाह रहे थे और अब यहां से मुनीसन जद्दोजहद करते हुए और एक बेहतरीन और रोमांचक मोड़ पर मुकाबला पहुंच चुका है। अगली गेंद श्रीकांत के लिए और यह हवा में शॉट फील्डर उसके पीछे जरूर है लेकिन निश्चित रूप से चार रन और चार रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है पलाड और बॉलिंग लाइन पर है गेंदबाज पिंटू पिंटू का बेहतरीन शॉट इस पहले की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन एक रन नोटिस नहीं लग पाएगा यहां से गाय गेंद चौदह और स्ट्राइक पर गए हैं श्रीकांत नब्बे रन कितने रन और यहां पर चार रन बिल्कुल खराब फील्डिंग साधारण फील्डिंग कही जा सकती है। यदि इस मोड़ पर आप इस तरह की फील्डिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस मैच से इस टूर्नामेंट से बाहर जाएंगे और इस चौके के सारे स्कोर जो पहुंचा है 84 रन। अब यहां से किरणपुर गया मैच जीतने के लिए 10 रन की ओर दरकरार है 10 रन और गेम शेष है 10 गेंद 10 रन तो क्या अभी भी बहुत कुछ बाकी है यहाँ पे गेंद टर्न लेता हुआ तो एक बेहतर मोड़ पर और एक किरणपुर के बेहतर बल्लेबाज स्ट्राइक पर है इससे बढ़िया किरणपुर के लिए क्या हो सकता है। श्रीकांत को एक बेहतरीन फिनिश की उम्मीद और यहाँ पे काफी आगे निकल चुके हैं लेकिन एक रन पूरा करेंगे इस एक रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 85 रन। अब यहां से 8 गेंद 9 रन की दरकार और स्ट्राइक पर है प्लाट तो डॉट गेंद या तो विकेट जसरतपुर को मैच में वापसी करवा सकता है डॉट गेंद या तो विकेट जाने गेंद खराब गेंद इसको अलग की तरफ पुल कर दिया और कोई फील्डर मौजूद जरूर है लेकिन देखना होगा बचा पाते हैं नहीं निश्चित रूप से शायद 2 रन बचा लिए हैं। अब यहां से 6 रन की और दरकार 7 रन की दरकार कितना 7 रन स्ट्राइक पर है पलाड 7 बॉल 7 रन बेहतरीन शॉट एकदम गोली की तरह सौर जाता हुआ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के सहारे किरणपुर जो है फाइनल की दस्तक खटखटा दिए हैं तो चंद कदम दूर है। अब यहां से 3 रन की और दरकार 3 रन जीत के लिए 3 रन और ड्रॉ के लिए ठीक है और यह हवा में गेंद काफी ऊपर गई है क्या कैच होगी क्या कैच होगी और यहां पर मिस भी और मार्जिनल होता है। अब यहां से 6 गेंद 1 रन ओवर हो गए 5 गेंद कितना गेंद तो मैच ड्रॉ हो चुका है और अब औपचारिकता सी रह गई और किरणपुर फाइनल में प्रवेश और यहाँ पे किरणपुर यह मैच जीतता हुआ और फाइनल में प्रवेश करता हुआ और इसके बाद का मुकाबला होने वाला है हुसैना वर्सेस खानपुर किरणपुर यह मुकाबला 8 विकेट से जीतता है तो साकेत की ओर से